देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया, मैं हूँ आरती। आइए रुक करते हैं गुजरात चुनाव के दूसरे मतदान चरण की ओर। गुजरात चुनाव में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को दिया धन्यवाद। जानिए जनता ने इस पर क्या कहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रही है। दूसरे चरण और अंतिम चरण में प्रदेश के 14 जिलों की कुल 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटरों में सुबह 8 बजे से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में स्थित रानीप के 177 नंबर पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से भी बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की ओर से की गई व्यवस्थाओं के लिए आयोग को धन्यवाद दिया। लोकतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए मतदाताओं को भी बधाई दी। जनता और ईसी को किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के इस उत्साह के लिए देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। चुनाव आयोग के सुव्यवस्थित इंतजामों के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया के भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने डाला वोट। बीजेपी समर्थकों ने पोलिंग बूथ पर ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी के साथ वोट डालने को लेकर काफी लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। कुछ वोटर्स तो ऐसे भी थे जो सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी ने 9 बजे के करीब अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाई से मिलने उनके घर गए। भाई के घर से निकलने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से भी बात की। 8 दिसंबर को आएंगे गुजरात चुनाव के नतीजे। इस चरण में गुजरात के 14 जिलों के कुल 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लगभग 26,000 मतदान केंद्रों पर करीब 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण की 93 सीटों पर कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 19 जिलों की 79 सीटों पर कुल 778 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। पहले चरण में यानी 1 दिसंबर को मतदान हुआ था। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। अब देखना ये होगा कि गुजरात चुनाव में इस बार किसकी जीत होती है, कि इस बार फिर से बीजेपी अपना 27 साल का रिकॉर्ड जारी रखती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।